सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। हुनर बाज सीजन 4 पावर्ड बाय स्किल इंडिया मिशन एंड प्रेजेंटेड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा, भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। कौशल भारत, कुशल भारत। अपने पांच बाहुबल के द्वारा, अपने उंगलियों के हुनर के द्वारा, अपने कौशल्य के द्वारा विश्व का हृदय जीत सके, ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। युवा अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें किसी भी काम को करने का एक अलग ही जज्बा होता है, दुनिया जीत लेने का जुनून होता है, और इसी जुनून को यदि सही समय पर सही दिशा और साथ मिले तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। और ये भी मुमकिन है कि बहुत ही कम उम्र में आप वो सब कुछ हासिल कर लें जिसे पाने की चाह हर इंसान रखता है। गुजरात में रहने वाले कृणाल और योगेश जी के काम करने के जुनून को जब सही समय पर मिला बैंक ऑफ बड़ौदा का साथ, तो उन्होंने थोड़े ही समय में पा ली अपने सपनों की मंजिल। क्या था उनका राज, आपको बताएंगी हमारी टीम डायरेक्टर शिप्रा बलानी। हुनर की खोज करते हुए आज हुनरबाज की टीम पहुंच गई है गुजरात के एक छोटे से शहर छतराल में, और यहां हम आपको मिलाएंगे तीन युवाओं से जिन्होंने मात्र 30 से 35 साल की उम्र में ही खड़ी कर ली है करीब 300 करोड़ की कंपनी। तो आखिर कैसे हुआ ये सब, आइए आपको बताते हैं अपनी इस स्टोरी में। कोशिश हमारी, सफलता आपकी। बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंकिंग इज नॉट अ बिजनेस ऑफ ओनली मनी। बैंकिंग इज द बिजनेस ऑफ रिलेशनशिप। बैंकिंग इज द बिजनेस ऑफ क्रिएटिंग द ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट। एक छोटा सा एक आदमी फाइनेंशियल सपोर्ट लेके कुछ एक्टिविटी शुरू करता है और वो ग्रो करता है, ऑन द अदर साइड बैंक्स ऑल्सो ग्रो। अब जैसे वो ग्रो करेगा, वो तीन और लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा, एंड देन इट कीप्स ऑन मल्टीप्लाई। Governments has taken a very good initiative to support the small industry, small entrepreneurs who can do the trading, who can do the manufacturing. We finance all types of needs of our MSME, agriculture, retail and large corporate. In MSME sector, I can give example, lot of examples are there. One specific example I will give from our Gandhinagar region, Maxim Tubes is there. महज 22-23 साल के दो युवा मिलके एक सपना देखते हैं, सपना खुद के व्यवसाय का, सपना अपनी तरक्की का, सपना अपने जैसे और लोगों को रोजगार से जोड़ने का, सपना स्टेनलेस स्टील पाइप्स मैन्युफैक्चरिंग का। वो युवा हैं कृणाल पटेल और योगेश पटेल जी। मैक्सिम ट्यूब की शुरुआत जो है 2006-2007 में हुई थी, मैं सोच रहा था, और दूसरा योगेश जी मेरे पार्टनर है, वो भी सोच रहे थे कि हम लोग एक प्रोडक्शन यूनिट डालें जिसमें मैक्सिमम हम लोग एम्प्लॉयमेंट दे सके। तो वही बेस पे हमने मैक्सिम ट्यूब का एक स्टेनलेस यूनिट डालने का एक विचार हमको आया था। स्टेनलेस स्टील से बनने वाले पाइप्स और ट्यूब बनाने का व्यवसाय शुरू हो चुका था और अपने सपने को लेके आगे बढ़ रहे थे योगेश और कृणाल जी, लेकिन कुछ मुश्किलें जैसे उनके इंतजार में बैठी थी। जो ये बिजनेस है उसमें हम नए थे, एक्चुअली हमारा कोई बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस नहीं था ये, तो हमको सब चीज़ सीखने थी, जैसे साइज है, ग्रेड्स है, तो उसमें हर तरह के हमारे को चैलेंज ही आता था कि भाई उसको कैसे हम कन्वर्ट करें, कैसे उसका कैलकुलेशन करें, कैसे उसका प्रोडक्ट को हमारे मार्केट में बेचे उसका कैलकुलेशन के हिसाब से। कोई समय ऐसा भी आया था कि हम सोच रहे थे कि उसको शट डाउन कर दे। मुश्किल दौर किसका नहीं आता, पर मुश्किलों से लड़के ही तो फतेह हासिल होती है। ऐसे मुश्किल वक्त पर कृणाल जी को एक गुजराती कहावत याद आई, और उस कहावत ने ही योगेश जी और कृणाल जी को सबसे मुश्किल वक्त से बाहर निकाला। भाई ये कौन सी कहावत है? हमको भी हमारी फैमिली के बैकग्राउंड की तरफ से मोटिवेशन मिला कि नहीं उसको कंटिन्यू करो, और एक गुजराती में कहावत है कि आप कोई भी बिजनेस को 1000 दिन तो पूरे ले गया, उसके बाद में आप कोई भी इंडस्ट्री को रन कर पाओगे। तो वो सोच के फिर हमने अगेन इंडस्ट्रीज को रन किया और फिर हमने उसको कंटिन्यू किया। वाह, अपनों का साथ जब मिलता है तो सिर्फ साहस ही नहीं आता बल्कि खुद पर विश्वास भी बढ़ जाता है, और कृणाल जी और योगेश जी को तो पता ही नहीं था कि उनके मुश्किल दौर का साथी कोई और भी बनने वाला है। मैं जितना भी बैंक को बोल रहा के लिए बोलूं, आज इतना कम है,
कि जो टाइम पे बैंक ऑफ बड़ौदा ने हमको लोन दिया था और जो हमारी क्रेडिबिलिटी जो वो टाइम पे थी मेरी और योगेश जी की वो बिल्कुल जीरो थी, लेकिन वो टाइम पे बैंक ऑफ बड़ौदा ने हमारे डॉक्यूमेंट देखो नहीं, हमको देख के कि चलो भी उनके में कुछ चैलेंज है, जॉब करने का एक इंटरेस्ट है, तो वो देख के हमको एक बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्टार्ट करने के लिए उन्होंने हमको 1.7 करोड़ 2006-2007 में दिया था। तो वो बेस पे हम लोग ने स्टार्ट किया कंटिन्यू और आज की डेट में मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का टोटल सेंक्शन कुछ 67 करोड़ के आसपास है। I am happy to inform you that in 2006 we extended a credit facility to this young entrepreneur of 1.7 crore rupees and this industry is today 350 crore turnover in March 2018. This industry today is taking care of 400 to 500 families, giving the employment and doing a good business. The target for this financial year he has kept more than 500 crore rupees and I am happy that Bank of Baroda is with this industry. क्या बात है, एक हुनर ने एक व्यवसाय को जन्म दिया और उस व्यवसाय ने कई और हुनरबाजों को काम। आज यहाँ लगभग 500 लोग काम कर रहे हैं और जैसे जैसे ये कंपनी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे लोगों के लिए काम भी, और जहाँ हुनर को सम्मान मिले वहाँ कौन काम नहीं करना चाहेगा। Every morning when I enter office, what I see when I enter Maxim, I can see that everybody around me is same level. For me, the security guard or the production manager or the marketing guy or even my partner are the same. So I don't see a difference. सुना आपने, यहाँ सब एक लेवल पर हैं, यानी हुनर का सम्मान अब बढ़ने लगा है और जहाँ हुनर की कदर है वहाँ बस तरक्की ही तरक्की है। चलिए जरा ये भी तो जाने कि इन पाइप्स और ट्यूब्स का इस्तेमाल आखिर होता कहाँ है। हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो किसी भी चीज को पास करने के लिए, इधर पे केमिकल हो, वाटर सप्लाई हो, गैस सप्लाई हो या कोई भी फूड सेक्टर में कुछ भी हो, अगर आप आपका घर का भी यूज ले लो तो जो गैस की जो पाइपलाइन भी आउटसाइड से आती है वो भी स्टेनलेस स्टील या कार्बन स्टील की होती है। दूसरा, आप जो फूड प्रोसेस में जो आपको जो फूड बन के जो भी आपके पास आता है वो भी किसी भी प्रोसेस में हमारा स्टील की ट्यूब में से पास होके ही आता है। अच्छा, तो ये इस्तेमाल है इन स्टेनलेस स्टील पाइप्स और ट्यूब्स का, और ये देखिए कुछ इस तरह से बनते हैं पाइप्स। भाई कृणाल और योगेश जी की कहानी देख के एक बात तो समझ आ गई कि उम्र के साथ ही तजुर्बा नहीं आता बल्कि शिद्दत और मेहनत से काम करके भी आता है, और जब कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो हर कोई आपके साथ जुड़ा चला जाता है। बैंक अपना कोई भी छोटा बोरोवर हो बड़ा बोरोवर हो, वो एक बार आगे बढ़ता है तो बैंक को फील वही होता है कि हमारी संस्था भी आगे बढ़ रही है और हमने जिसको फाइनेंस किया वो भी आगे बढ़ रहा है। तो बैंक एक प्रकार से कोई भी कंपनी में पार्टनर ही है, भागीदार ही है और ऐसे ही आगे बढ़ता है। तो बैंक को प्राउड फील होता है कि मेरा कस्टमर, मेरा बोरोवर जो आगे बढ़ रहा है इसमें बैंक का भी योगदान है। वाह, जब कोई अपना बनके कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चले तो फिर क्या मुश्किल है। आप भी कीजिए किसी काम को शुरू करने की पहल, अपने हुनर को आगे बढ़ाने की पहल। यकीन मानिए बैंक ऑफ बड़ौदा आपके लिए भी जरूर कोशिश करेगा। आजा चले आज उस राह पर। They can directly come any of the branch in Pan India. We are having 5,500 branches and they can come with an idea. I am 100% sure that our branch manager will extend the credit facility to this new entrepreneurs with the new idea and they can become a big like Tata Birla in this country. Aaja machal ke kuch karke dekho aaj hunar baaz hum hai hunar baaz aaja hunar dikha de aaj wah hai na। छोटी सी उम्र में बड़े सपनों को हासिल करने की ये एक अनोखी कहानी। मुझे पूरा यकीन है कि आप भी इस कहानी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए होंगे, और अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं तो पहचानिए अपने हुनर को, जगाइए अपने अंदर काम करने का वो जुनून, और अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि इस जुनून के पीछे पैसा आड़े आ रहा है तो अब आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है ना। इंटरेस्टिंग, ये बात तो साफ है कि बैंक ऑफ बड़ौदा सिर्फ बैंकिंग करने में ही विश्वास नहीं रखता बल्कि आपके काम करने के जज्बे की सही परख भी करना जानता है। तभी तो बैंक ने कृणाल जी का साथ तब दिया जब उनके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक पोटेंशियल बिजनेस प्रोजेक्ट के। आपके पास भी अगर है कोई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, कोई प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, तो याद रखिए आपको भी मिल सकता है ये साथ।
So go for it. It's a win-win situation.